इनको तो काम मिल गया, कोई ऑटो चला रहा है, कोई चाय बेच रहा है, कोई किसी का इंतज़ार कर रहा है, समझ गए ना। लेकिन हम क्या करें, हम क्या करें, मतलब मैं बात कर रहा हूँ हमारे एस्पायरिंग एक्टर्स की, इन प्रोसेस एक्टर की, जिनको स्ट्रगलर्स भी कहा जाता है। अक्सर हमारे जो एक्टर्स है वो चाहते हैं कि एक तरफ मैं जॉब करूँ पार्ट टाइम में, और दूसरी तरफ मैं एक्टिंग का जो मेरा सपना है वो पूरा करने के लिए ऑडिशंस भी दूँ। और ये हालत इसलिए होती है क्योंकि इंडिया में हर कोई अंबानी अडानी नहीं है, बहुत गरीब परिवार से लोग आते हैं, और जो मुंबई आते हैं वो उन पर ही पूरा दारोमदार होता है अपने परिवार को बदलने का। तो ऐसे हालात में मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ, जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, प्लीज़ हमारे एस्पायरिंग एक्टर्स के लिए हेल्प कीजिए, और मुंबई में वो कहाँ कहाँ जॉब कर सकते हैं उसके बारे में इस वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए, ताकि अपनी तरफ से उनको हेल्प हो जाएगी। और वैसे मुझे जो लगता है वो भी मैं आपको बताऊँगा, चलते चलते हम लोग इस पर बात करेंगे। सो अभी ये लक्ष्मी इंडस्ट्रियल इस्टेट एरिया है मुंबई का, जहाँ पर बहुत सारे शॉप्स, बहुत सारे प्रोडक्शन, बहुत सारी दुकानें हैं, अलग अलग काम करने वाले लोग हैं। सो क्या क्या हो सकता है एक एक्टर पार्ट टाइम में, जैसे स्विगी है, जोमेटो है, वहाँ पर जॉब कर सकता है एक एक्टर, डीमार्ट में जॉब कर सकता है, मुझे ये पता नहीं कि वहाँ पार्ट टाइम जॉब है या फुल टाइम है, उसकी जानकारी आपको लेनी होगी। उसके बाद डिलीवरी, कुरियर, ड्राइविंग, किसी को कोई स्किल आता है, जैसे गाना आप सिखा सकते हैं, या गिटार आप सिखा सकते हैं, डांस सिखा सकते हैं, तो जो भी स्किल है आपके अंदर स्पोर्ट्स से रिलेटेड वो आप सिखा सकते हैं, ड्राइविंग कर सकते हैं, किसी दुकान में काम कर सकते हैं, किसी प्रोडक्शन हाउस में काम कर सकते हैं, वहाँ पर असिस्ट कर सकते हैं। लेकिन वहाँ पर ऐसे नहीं है कि आप चले गए और आपको मौका मिल गया, वहाँ पर ऑलरेडी कतार में है लोग कि हम असिस्ट करना चाहते हैं, प्रोडक्शन हाउस, किसी कास्टिंग डायरेक्टर के साथ, किसी एक्टर के साथ, तो आपको थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा, जान पहचान बनानी पड़ेगी। ये सिटी मॉल है अंधेरी वेस्ट का। सो गाइस, आप लोग जो भी वीडियो देख रहे हैं, पार्ट टाइम में एस्पायरिंग एक्टर्स कहाँ कहाँ काम कर सकते हैं उसके बारे में कमेंट में ज़रूर बताइए, ताकि उनकी हेल्प हो जाएगी। और रही बात, जैसे सिक्योरिटी का भी जॉब है, नाइट टाइम का सिक्योरिटी का जॉब करते हैं लोग, मुझे लगता है मुंबई एक ऐसा शहर है जो किसी को निराश नहीं करता, बशर्ते आप आलसी नहीं होने चाहिए। आपको मुंबई में आने के बाद जॉब ढूंढने के लिए ज़रा मेहनत करनी ज़रूरी है। वर्क इंडिया जैसी वेबसाइट है जहाँ पर आप अपना प्रोफाइल बना के अप्लाई कर सकते हो, टेलीकॉलिंग का जॉब है, ऑफिस वर्क है, बहुत सारे जॉब है, क्योंकि मुंबई किसी को निराश नहीं करती, पेशेंस होने चाहिए, और अगर वो आपके अंदर है तो आपको कोई रोक नहीं सकता। मुंबई आना क्यों चाहिए, क्योंकि मुंबई सपनों की नगरी है, जहाँ पर सपने पूरे होते हैं। अगर आप में बात है, आप में टैलेंट है, आप में दम है, तो आपको दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। ये जो चैलेंजेस आते हैं ये सिर्फ टेम्पररी होते हैं, एक समय के बाद ये सारे ख़त्म हो जाते हैं। आपको अगर अपनी लाइफ बदलनी है तो मुंबई आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कई बार हम अपने सपने अपने अंदर ही मार देते हैं कि नहीं भाई, मैं कोशिश ही नहीं करूँगा, शुरुआत करने के पहले ही हम ये सोचते हैं कि मैं कर नहीं पाऊँगा, अब वैसे में तो कुछ हो ही नहीं पाएगा ना। जिस भी फील्ड में आप जाना चाहते हैं उस फील्ड के लिए आपको एक्शन लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और उस एक्शन को लेने के लिए हम लोग आपको प्रेरित करते हैं, मोटिवेट करते हैं, आपको हेल्प करते हैं। ये इन्फिनिटी मॉल है, इन्फिनिटी मॉल स्ट्रगलर्स का अड्डा है। जैसे वहाँ पर इंट्री करने के बाद ऐसा कुछ कंपलसरी नहीं है कि आप ऑर्डर करो कुछ, एसी है और सारी सुविधा है, समझ जाइए कि मॉल में क्या क्या होता है। तो अक्सर नए नए लोग जो मुंबई में आते हैं और अंधेरी वेस्ट में जो रहते हैं, तो वो इस मॉल में ज़रूर जाते हैं, इस मॉल से रिलेटेड सारी यादें होती है, और वही जो एस्पायरिंग एक्टर्स है, फिल्म इंडस्ट्री से रिलेटेड कोई भी बंदा एक समय के बाद बहुत बड़ा बन जाता है, और उसके लिए हमेशा से ये याद रह जाती है कि इस मॉल में कभी हम मीटिंग करते थे, कभी हम मिलते थे, कभी हम बैठते थे घंटों घंटे, और आज टाइम ही नहीं है। उसी मॉल के सामने से उनकी मर्सिडीज बेंज जा रही है, ऑडी जा रही है, ये मुंबई है दोस्तों। सो स्पीड है मुंबई में,
मुंबई के लोगों के पास इसके लिए समय नहीं कि इसका क्या हुआ उसका क्या हुआ, वो लोग पूरी तरीके से बिजी है अपनी लाइफ में, इसीलिए उनकी ग्रोथ भी होती है। सो दूर दूर से ट्रैवल करके लोग आते हैं अपना जॉब करने के लिए। मुंबई की ट्रेन मुंबई की जान है। ये फन रिपब्लिक के पास आ गए हम लोग, फन सिनेमा, जो सतीश कौशिक जी जो आज हमारे बीच में नहीं है, उनका ऑफिस, उनका प्रोडक्शन भी इस बिल्डिंग के सामने ही था, श्री कृष्णा बिल्डिंग में। बहुत अच्छे इंसान थे वो, बहुत अच्छे आर्टिस्ट थे। फन रिपब्लिक के अंदर भी प्रोडक्शन है बहुत सारे। अगर आप मुंबई में आना चाहते हो तो बग़ैर पैसे के मत आइए। कम से कम उतना पैसा होना चाहिए आपके पास कि एक महीना आप खाने का रहने का अरेंजमेंट आपका होना चाहिए। अदरवाइज़ क्या होगा, आप जो जॉब ढूंढेंगे ऐसा तो नहीं है कि आप गए और आपको जॉब मिल गया। हो सकता है एक आध महीना लग जाए जॉब ढूंढने के लिए, तो वो जॉब मिलने के बाद पेमेंट होने के लिए तो एक महीना लगेगा ना, तो उस समय आप कहाँ रहोगे? वो सड़क पर रहूँगा, कहीं पर भी सोऊँगा, वो माइंडसेट नहीं चलेगा। अच्छे से तैयारी करके आने की एक बेसिक अमाउंट होना चाहिए। जैसे लेट्स एक्ट में हमारे एक्टिंग स्कूल में जो स्टूडेंट्स आते हैं ऑल ओवर द इंडिया से आते हैं, तो वो एक 3 महीने का कोर्स करते हैं। इस कोर्स की फ़ीस है 35,000। इसमें 3 महीने का उनको ट्रेनिंग मिलता है, स्क्रीन एक्टिंग, थिएटर एक्टिंग, ऑडिशन प्रिपरेशन, और कोर्स होने के बाद कहाँ जाना है क्या करना है वो सारी गाइडलाइंस उनको मिलती है। और ख़ास बात ये है कि उसी 35,000 में रहने के लिए हॉस्टल भी प्रोवाइड किया जाता है, और ये सब है विरार वेस्ट में। तो वहाँ रहते हैं वो लोग, और वहाँ रहने के बाद उनका कोर्स भी करते हैं, 2 घंटे का क्लास होता है पार्ट टाइम में, उसी एरिया में जॉब करते हैं, और उस दरमियान सैटरडे संडे फिर अंधेरी आकर यहाँ के प्रोडक्शन हाउस विज़िट कर लिए, लोगों से मिले, धीरे धीरे कॉन्टैक्ट्स बनाए, और वो कोर्स होने के बाद फिर वो लोग अंधेरी शिफ्ट होते हैं, और अंधेरी शिफ्ट होके वो उनका काम शुरू करते हैं। तो हमें मुंबई में पैर रखने के लिए, अपने पैर जमाने के लिए कोई सपोर्ट तो चाहिए होगा ना, कि जिसकी हेल्प लेकर हम आगे बढ़ सकते हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे आए, कोर्स किया उन्होंने, उसके बाद अभी वो लोग जॉब भी कर रहे हैं पार्ट टाइम में, और अपना एक्टिंग का जो ऑडिशन देना है वो सब चीज़ें भी बहुत अच्छे से कर रहे हैं। सो आज के वीडियो में इतना ही। अपने सपनों पर विश्वास कीजिए। 2023 शुरू हो गया है, मार्च मंथ में हम आ गए हैं। सो 2022, 2021, 2020 सोचते सोचते ही चला गया कि मैं ये करूँगा, वो करूँगा, वो करूँगा। तो सोचने में समय वेस्ट मत कीजिए, एक्शन लीजिए। आप जो भी ज़िंदगी में करना चाहते हैं, अपने आप को ज़्यादा टाइम नहीं देने। वैसे मैं कौन बोल रहा हूँ, मेरा नाम विनय शाक्य है, और मैं लेट्स एक्ट, ये जो एक्टिंग इंस्टीट्यूट है, उसका फाउंडर हूँ, डायरेक्टर हूँ, एक्टिंग कोच हूँ, और पिछले 10 साल से मुंबई में हम लोग काम कर रहे हैं। ये सब कुछ मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि एक समय मैं भी आप ही की तरह मुंबई में आया था। मेरे पिताजी जब 12 साल का था तब उनका इंतकाल हो गया, तो सपोर्ट नहीं था, और मैंने अपनी ज़िंदगी अपने बलबूते पे शुरू की, बहुत स्ट्रगल किया, और अब मैं चाहता हूँ कि जो मेरी ही तरह अलग अलग स्टेट से मुंबई आना चाहते हैं उनको कुछ हेल्प हो सके, और उसी हेल्प के लिए हम लोग ये वीडियो बनाते हैं। आई होप आपको इस वीडियो से हेल्प हो रही होगी। अगर हेल्प हो रही है तो ज़रूर कमेंट में उसके बारे में भी बताना, और मुंबई में जॉब कहाँ कहाँ कर सकते हैं आप सब लोग। एक भी पर्सन ऐसा नहीं होना चाहिए कि जिसने कमेंट नहीं लिखी, कुछ ना कुछ कमेंट लिखिए अबाउट अपॉर्चुनिटीज़, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ है मुंबई में जो लोग आते हैं उनके लिए, जॉब के लिए। थैंक यू सो मच गाइज, लव यू ऑल, टेक केयर।